दो प्रकार का होता है, एक उत्तल और दूसरा अवतल। सबसे पहले हम समझेंगे कि लेंस किसको कहते हैं। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, उसे लेंस कहते हैं। और लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसको कहते हैं? जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है, उसको कहते हैं उत्तल लेंस। जस्ट इसका उल्टा अवतल लेंस किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? जिस लेंस का बीच का भाग पतला होता है और किनारे का भाग मोटा होता है, उसको कहते हैं अवतल। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला हो गया उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस किसको कहते हैं? जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो तथा किनारे वाला भाग पतला होता है, उसे उत्तल लेंस। लिख लिए? कोई दिक्कत? और याद करना भी नहीं है, दिमाग में रखना है। क्या उत्तल लेंस? इससे पहले भी बताए हैं, बताए है ना। उत्तल लेंस किसको कहते हैं? जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो और किनारे वाला भाग पतला, उसको कहेंगे उत्तल। आप इसमें देखिए, चलिए उत्तल लेंस ये आपका हो गया, ये क्या हो गया उत्तल लेंस। क्या हो गया बाबू? उत्तल लेंस। आप लोग यह जहां पर लिखे हैं उसके नीचे में फिगर बनाएंगे। बीच वाला भाग पतला है और किनारे वाला भाग क्या है? मोटा है। बीच वाला भाग पतला है और किनारे वाला भाग मोटा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अवतल। अवतल लेंस जो लेंस बीच में पतला तथा किनारे में मोटा होता है, उसे अवतल लेंस। आप लोग को बता देते हैं, जो लेंस बीच में मोटा होगा, देखिए बीच वाला भाग मोटा है, यह हो जाएगा उत्तल लेंस। जो बीच में पतला होगा, देखिए यह वाला पतला है, देखिए यह लेंस जो है बीच में क्या है? पतला है। तो जो लेंस, जिस लेंस का बीच वाला भाग पतला होगा, उसको अवतल। तो उसमें से पहला रूप है उभयोत्तल। जिस लेंस का दोनों तल, जिस लेंस का दोनों तल उत्तल होगा, उसे उभयोत्तल लेंस कहेंगे। जैसे यहां देखिए, यह भाग भी उत्तल है और यह भाग भी उत्तल है, दोनों भाग उत्तल है, तो क्या हो गया? उभयोत्तल। ठीक। उसके बाद दूसरा है समतलोत्तल। समतलोत्तल मीन्स एक, जिस लेंस का एक भाग समतल होगा और दूसरा भाग उत्तल होगा। देखिए इस लेंस में एक भाग समतल है और दूसरा भाग उत्तल है, तो इस तरह का लेंस जब रहेगा तो वह हो जाएगा समतलोत्तल। समतलोत्तल लेंस किसको कहेंगे? जिस लेंस का एक तल अवतल हो और दूसरा तल उत्तल हो, उस लेंस को अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। यहाँ देखिए चित्र में, यह इस साइड का जो है अवतल है और दूसरे तल, दूसरे भाग, दूसरे साइड का क्या है? उत्तल है, तो यह हो गया अवतल। देखिए चित्र में दोनों तल, यह भी अवतल और यह भी अवतल, तो मिलके क्या बन गया?
उभयावतल। अवतल लेंस के विभिन्न रूप, पहला उभयावतल, जिस लेंस का दोनों तल अवतल हो उसको उभयावतल लेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, इस लेंस में यह तल अवतल है और दूसरा तल भी अवतल है, इसलिए यह हो गया उभयावतल लेंस। उसके बाद है समतलावतल, जिस लेंस का एक तल समतल हो और दूसरा तल अवतल हो वह हो जाएगा समतलावतल। देखिए यहाँ पे इस लेंस में एक तल समतल है और दूसरा तल क्या है, अवतल है, तो इस तरह का लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, समतलावतल। देखिए इधर का भाग उत्तल है और इधर का भाग क्या है, अवतल है, तो बन गया क्या, उत्तलावतल। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, देख लिया ना यहां तक, अब समझिए उत्तलावतल लेंस किसको कहेंगे, जिस लेंस का एक तल उत्तल हो और दूसरा तल अवतल हो तो वैसे लेंस को उत्तलावतल लेंस कहेंगे। वैसे लेंस को क्या कहेंगे, उत्तलावतल लेंस कहेंगे। देखिए चित्र में एक भाग उत्तल है और दूसरा भाग क्या है, अवतल है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तलावतल। आ जाए समझ में। प्यारे बच्चों आप लोग के विद्यालय में कोरोना का वैक्सीन पड़ रहा है, समझ गए ना, तो सभी बच्चे अपने अपने विद्यालय में जा करके वैक्सीन जरूर लगवा लें, यह बहुत जरूरी है, और मास्क पहन के ही आओ, सभी अपने अपने विद्यालय में जा करके कोरोना का वैक्सीन लगवा लेंगे और कल से मास्क पहन के ही आप पढ़ने के लिए आएंगे। धन्यवाद।